यूपी की सियासत भी बेहद दिलचस्प है। कयासों का गलत साबित होना यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है और अफवाहों का जोर पकड़ना भी इसका एक पहलू है। अब एक बार फिर से वायरल होते एक लेटर ने यूपी की सियासत में सरगर्मी बढ़ा दी है और मुरादाबाद में प्रत्याशियों को लेकर शांत हुए बवाल को फिर से चिंगारी दिखा दी है, क्योंकि इस लेटर में लिखा गया है कि पहले एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन फिर रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया गया, मगर अब एक बार फिर से एसटी हसन को ही पार्टी उम्मीदवार बना रही है। लेटर पर तारीख 27 मार्च की डली हुई है। अब जब सोशल मीडिया पर वायरल होते इस लेटर के बारे में सपा नेता एसटी हसन से सवाल किया गया, तो उनका इस बारे में कहना था कि अखिलेश यादव उन्हें ही प्रत्याशी बनाना चाहते थे और उसी सिलसिले में यह लेटर भेजा था, लेकिन वक्त ज्यादा हो गया था। डॉक्टर साहब, TV9 भारतवर्ष पर एक आपकी एक्सक्लूसिव पत्र है जो अखिलेश यादव जी ने आपके द्वारा आपके लिए लिखा था, जिसमें आपको दोबारा प्रत्याशी बना दिया गया था। पहले आपने नॉमिनेशन कराया गया था, रुचि वीरा जी को प्रत्याशी बनाया गया था, बाद में क्या पत्र आपको मिला था? देखिए, अखिलेश जी तो मुझे चाहते थे कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूँ और मेरा निरस्तीकरण नहीं होना चाहिए, और उसी सिलसिले में उन्होंने लेटर भेजा था और ताकि मैं ये दाखिल करके उसका निरस्तीकरण कराऊँ, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था। जब टाइम 3 बजे के बाद ये मौसूल हुआ, ये लेटर आपने कहाँ से निकाला, कैसे मिला, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हकीकत है कि अखिलेश जी मुझे चुनाव लड़ाना चाहते थे। इतना ही नहीं, एसटी हसन तो ये भी कह रहे हैं कि किस दबाव में या किन हालातों के चलते रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया गया, ये तो अब बेहतर अखिलेश यादव ही जानते हैं। लेकिन उनके पास भी लेटर व्हाट्सएप के माध्यम से आया और किसी साजिश के तहत ही ये लेटर उन तक समय से नहीं पहुंच सका। अखिलेश यादव जी ये नहीं चाहते थे कि रुचि वीरा जी मुरादाबाद से प्रत्याशी बने, उनके द्वारा फोन भी किया गया था, उसके बाद भी उनके द्वारा नॉमिनेशन कराया गया, ऐसी बात सामने आई, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, जब वो मुझे चाहते थे तो वो किन मजबूरियों में इनको प्रत्याशी बनाया और किस दबाव में इनको प्रत्याशी बनाया, ये तो बेहतर अखिलेश जी ही बता सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास ये पत्र कब पहुंचा था? मेरे पास ये व्हाट्सएप आया था तकरीबन 3:02 पे। आखिरी टाइम क्या था? 3 बजे का। तो इसको लेकर बात करी आपने किसी से? देखिए, कोई कॉन्स्पिरेसी ऐसी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक लोकल नेता है जो बाहरी नेता है, उनको उन्होंने जो लखनऊ से जो लोग आए थे उनको ट्रैप करके और वो लेकर रामपुर, और रामपुर में इतनी देर लगा दी कि यहाँ पे ये पेपर मेरे पास तक टाइमली नहीं पहुँच सके। सपा नेता एसटी हसन के टिकट कटने का दुख उनके चेहरे पर साफ दिख जाता है और वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अखिलेश यादव पर कोई दबाव होगा तभी उनका टिकट कटा है। मगर इस लेटर के सामने आने के बाद सवाल ये भी खड़े हो गए हैं कि क्या सपा में अपने ही नेताओं के खिलाफ साजिशें चल रही हैं?